Assalamualaikum everyone, good morning and welcome back to Nightmare Otters. पहले तो guys मैं start करूँगा कि I'm very happy with the channel and बड़ा अच्छी direction में जा रहा है, मेरी fan following pretty मज़े की बन रही है and इसी fan following की वजह से recently एक मुझे एक प्यारे भाई हमारे उसामा अजहर भाई, उन्होंने मुझे illustrations बना के दी मेरी गाड़ी की, तो आए वो देखते हैं पहले. तो पहली आप देख सकते हैं लाइक इट इज नियॉन में इन्होंने तस्वीर तैयार की है, एक रेड सा फ्लेयर है एंड जरा फ्यूचरिस्टिक सी लुक दे रहा है, जरा सररियल सी, अदरवर्ल्डली सी. अगली और भी ज्यादा अमेजिंग है, नियॉन के अंदर तैयार है एंड अंडर ग्लो सी वाइब आ रही है. साथ वाली गाड़ी के रिम के ऊपर एक किस्म का ग्लो आ रहा है एंड लाइट्स बड़ी मजे की इसके अंदर लग रही है. इसमें एक डार्क सी लुक है, एक नाइट लाइफ वाली वाइब आ रही है इसके अंदर बड़ी हैवी किस्म की. नेक्स्ट आप देखें टोटल रेड फ्लेयर में है एंड अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर रिम्स भी वो स्पोक्स वाले हैं जिस तरह क्लासिक कार्स के अंदर लगते हैं, वो रिम्स लग गए हैं. एंड अगेन इसके अंदर ना गाड़ी बहुत वो नहीं लग रही, मॉडर्निस्ट नहीं लग रही, विंटेज सी वाइब आ रही है और इसके साथ वाली वो सुपर फ्यूचरिस्टिक लगने लग गई है. अगली के अंदर एक किस्म का कार्टूनिश टच दे दिया, सारी सेम ही फोटो है लेकिन गाड़ी के ऊपर क्या है, जहां पर पीछे फ्यूल टैंक है वहां पर पुलिस का बैज लग गया है और जहां पर टोयोटा लिखा है वहां पर भी अगर आप गौर से पढ़ें तो पुलिस ही लिखा हुआ है. एंड फाइनली आ जाते हैं लास्ट पिक्चर की तरफ जो कि इन माई ओपिनियन सबसे ज्यादा डिटेल्ड है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है. गाड़ी को फुल एक क्लासिक ओवरहॉल मिल गया, इतनी क्लासिक लगती नहीं मेरी गाड़ी जितनी इस पिक्चर में हो गई है. साथ वाली गाड़ी को भी एक विंटेज टच मिल गया एंड वोंका ओनली इन थिएटर्स, दैट्स इंटरेस्टिंग. आई थिंक चार्ली इन द चॉकलेट फैक्ट्री से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है थीम. फेंडर फ्लेयर्स गाड़ी को लग गए हैं, ओवरऑल लग ये करोला ही रही है बट इट्स लुकिंग वे मोर विंटेज देन इट इज. तो थैंक यू वेरी मच उसामा अजहर भाई, आई रियली लव दीज इलस्ट्रेशंस एंड जब आपने मुझे कहा था कि आपने बना के देनी है आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी मजे की होंगी. उसामा अजहर भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी कोई कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ तो उसका उन्हें पार्ट बनाना है एंड अगर कभी कम्युनिटी बनी तो बिलीव मी ही विल हैव अ वेरी मेजर रोल इन इट. इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट उसामा अजहर यू कैन डू दैट बाय फॉलोइंग दिस चैनल, रूबाज किचन चैनल है, इट इज अफिलियटेड विद उसामा भाई एंड इट वुड मीन अ लॉट टू मी अगर आप उधर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो दैट वुड बी अमेजिंग. तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा वीडियो की तरफ. अब जैसा कि आपको पता है सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां एटलीस्ट चलने में जरा सा तंग करती हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लगाया जुगाड़, ये चेक करें. तो सिचुएशन कुछ इस तरह है, जब आप गाड़ी को सुबह सुबह स्टार्ट करो, ठंडी होती है, आपको पता है कार्बोरेटेड इंजन हैं, आउटडेटेड इंजन हैं थोड़े से. तो मैंने क्या किया कि इसका जो ओरिजिनल चोक का सिस्टम है इसको सेट कर दिया. अब ये केबल आगे इंजन बे के अंदर भी जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ किधर जाती है एंड उसके बाद आपको गाड़ी की स्टार्टिंग भी दिखाता हूँ विद एंड विदाउट चोक कि पहले क्या हो रहा था मेरे साथ और बाद में अब क्या सिस्टम है. तो ये एक्सेलरेटर की केबल आती है एंड इसके ऊपर ये चोक की केबल है, बड़ी रस्टेड थी, बहुत बुरा हशर था, इसको हम अच्छी तरह ग्रीस किया एंड जहाँ पीछे चोक का ये रॉड है इधर मैंने कनेक्ट कर दी, आर्जी तौर पे कनेक्ट किया है. इसके आगे प्रॉपर एक वो जिसके कहते हैं मक्खी वो लगती है, वो लगानी है लेकिन अदर देन दैट इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली. एंड अभी आपको गाड़ी की स्टार्टिंग दिखाते हैं अंदर से किस तरह है. तो पहली स्टार्टिंग विदाउट चोक करके आपको दिखाते हैं किस तरह की आती है. बहुत सूरज आज तेज सामने से आ रहा है, ये देखें ये हमारी चल रही है विदाउट चोक, ये देखें बंद होगी फॉरन ही, यू सी दैट. इसी तरह दो तीन ट्राइज के बाद जाके स्टार्ट होनी थी बट बिकॉज नाउ वी हैव चोक तो इसको थोड़ा सा यूं ही खींच लिया एंड चेक इट आउट नाउ. एंड ये देखो माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठंडी तो अभी भी है, थोड़ी सी और चोक खींच लेते हैं
एंड यू विल सी द डिफरेंस. ये देखें माशाल्लाह, एंड द कार इज प्रॉपर स्टार्टेड नाउ. ये देखें, तो यही अभी मैं अगर चौक यहीं से प्रेस कर दूं वापस तो देखें क्या होता है. ये देखें वाइब्रेशन कितनी बढ़ गई है. तबीयत सेट हो रियर व्यू मिरर में तो एनीवेज देखें चौक खींची एंड ये नई गाड़ियों में तो चौक वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ECU के साथ. लेकिन दिस इज अ वेरी गुड एडिशन यार, ये बड़ी जरूरी थी इस गाड़ी में. थोड़ा सा इसकी शक्ल सूरत बेहतर करेंगे लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, जरा गाड़ी का स्पॉट चेंज करते हैं ताकि अपनी हम वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकें. एंड हियर वी गो. आई थिंक दिस स्पॉट इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड एवरीथिंग. सामने से इवन दो आ रही है बट वो सामने वाली लाइट अभी हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने में यूज होगी तो गुड सीन हो गया. क्या ख्याल है, नजर आ रहा हूँ ये चेक करो. हाय बहुत फिट है यार इसके रियर व्यू मिरर्स. आई होप आपको मजे का लगा हो एंड ये एक स्टेप और आगे चला जाता है रेस्टोरेशन में क्योंकि दीज कार्स केम विद चोक स्विच एंड विद अ चोक स्विच इसकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो गई. आई थिंक आप लोग भी अग्री करेंगे कि इनके अंदर एक इंटेग्रल पार्ट होता है चोक स्विच. माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया यार. लास्ट मैंने जब अनाउंस किया था तकरीबन 300 सब्सक्राइबर्स के पास था. मैंने कहा था कि यार गिव अवे करेंगे 1000 सब्सक्राइबर्स पे, कुछ पता नहीं कब टच करते हैं 1000, लेकिन 1000 पे गिव अवे होगा एंड वी आर ऑलरेडी एट 850 सब्सक्राइबर्स एंड दैट इज माइंड ब्लोइंग. एंड नॉट ओनली दैट, ऑटो शोज पे जाने की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये होने लग गया कि लोग मुझे ना पहचानने लग गए, मेरी गाड़ी को पहचानने लग गए हैं. यानी पार्क व्हील्स ऑटो शो में वीडियो बना रहा था जब एग्जॉटिक कार्स की, तो एक फैन आया मेरा. इट वाज सो अमेजिंग, ही हैड सीन मी एट एन ऑटो शो बिफोर एंड ही वाज फॉलोइंग माय चैनल. उधर उसने मिल के ही मुझे पहचान लिया, मेरे से डिस्कशन की एंड इट वाज ब्यूटिफुल. मुझे यानी दिल से खुशी हुई है वो देख के. उसके अलावा ऑटो शो के ऊपर जाजिब इमरान भाई से मेरी गपशप लगी. एक पहले उनके साथ गपशप स्टार्ट हो गई थी ये DHA वाले इंसिडेंट के आसपास एंड मीटिंग हिम एट द ऑटो शो ही आल्सो रिकॉग्नाइज्ड मी, ही रिकॉग्नाइज्ड द कार एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग. इट वाज ऑनेस्टली अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसिंग दिस जाके जब लोग थोड़ा सा ऐसे एक्ट करते हैं कि जानते हैं मुझे, कोई ताल्लुक है, ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है. And that's all because of you guys. Thank you for supporting the channel and keep supporting it, yaar. Aage humne bahut aage jana hai, bahut aage jana hai. And I want you to come on that journey with me. Finally, once again, jaise abhi maine zikr kiya hai, main dobara aap logon ko remind karna chahta hu. There is a giveaway at 1000 subscribers. Waise to mere zara halaat bhi ijazat nahi de rahe, lekin I will try my best to hold a giveaway. अगर कुछ मॉनेटरीली नहीं दे सकता तो कुछ मीनिंगफुल जरूर दूंगा, समथिंग यू कैन रिमेम्बर द चैनल बाय और समथिंग दैट यू कैन हैव एंड कल को बता सकें. यार नाइटमेयर ऑटोज जब स्टार्ट हो रहा था तब ये चीज उसने मुझे गिव अवे की थी एंड आई स्टिल हैव दैट. तो देखते हैं क्या बनता है. एंड विद दैट सेड आगे आ रहे हैं मजीद ऑटो शोज. जैसा कि आपको पता है सर्दियों का सीजन है और सर्दियों में ऑटो शोज पे ऑटो शोज चलते हैं एंड आगे दो मेजर ऑटो शोज आ रहे हैं. एक स्टैंस माफिया का आ रहा है इलामा इकबाल टाउन में एंड एक हजारा ऑटोमोटिव कम्युनिटी का दोबारा आ रहा है, वो लाहौर के अंदर नहीं, काला शकाकू ऐसे गार्डन्स वेन्यू. वैसे लाहौर ऑटो शो ही कंसिडर किया जाता है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. अब इसके अंदर एक उठता है सवाल. जैसे कि आपने इत्तेहाद टाउन में देखा कि मैंने डोनट्स वगैरह मारने की कोशिश की थी और गाड़ी अपनी टेल नहीं निकाल रही थी, तो क्या करना चाहिए? मेरे पास अभी दो मेजर ऑप्शंस हैं, या वेल्डेड डिफ या LSD. अब मेरे एक दोस्त ने एक LSD लगवाया हुआ है, वो मुझे बताता है कि जिस तरह टायर हॉप आता है वेल्डेड डिफ पे, LSD के ऊपर भी वैसे ही आ रहा है. और LSD के अंदर मुझे कुछ खास आइडिया नहीं कि हाई स्पीड्स पे लॉन्ग रूट्स पे वो किस तरह एक्ट करता है. इफ एनी वन ऑफ यू हैव एन LSD और उसने यूज किया वेल्डेड डिफ या LSD, आप लोगों में से किसी ने यूज किया है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन गिव मी योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स. मुझे कहीं से कॉन्टैक्ट करें, नाइटमेयर ऑटोज इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करें, टिकटॉक पे कॉन्टैक्ट करें, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट करें, कहीं कॉन्टैक्ट करके मेरे से डिस्कस करें. मेरे से बहुत लोग कॉन्टैक्ट करते भी हैं, बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड जहां मेरे से हो सकता है मैं प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ लोगों की. आई रियली लव हेल्पिंग पीपल एंड जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूंगा इंशाल्लाह. एनीवेज थोड़ा सा डाइग्रेस करके हूँ,
वेल्डेड डेफ या एलएसडी, इस चीज में मेरी थोड़ी सी आप लोग हेल्प करें। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैंने वेल्डेड डिफ की तरफ ही जाना है क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा एंड एज अ सेट बजट। एंड वंस दैट इज सेट, एक और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि नाइटमेयर ऑटोज को मैं अब अपना ऑफिशियल एक प्रोफेशनल करियर की तरह ही परसू करने लगा हूँ। आई एम गोना टेक अप कार रेस्टोरेशन फुल टाइम। एंड आप में से किसी को अपनी गाड़ी के अंदर कोई काम कराना है, अपनी गाड़ी रिस्टोर करानी है, कोई गाड़ी बनवानी है फ्रॉम स्क्रैच, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड कुछ अर्से तक मैं अपना एक ऑफिशियल नंबर भी कर लूंगा जिसके ऊपर आप मेरे से राबता कर सकते हैं और वी कैन टॉक आउट द डिटेल्स एंड यू कैन बी एन ओनर ऑफ अ ब्यूटिफुल विंटेज कार लाइक माई K20 Corolla। आई एम श्योर इफ यू सीन इट एट ऑटो शोज, इफ यू सीन इट एट इवेंट्स, you know the car is beautiful and I would really love it if you can own something like that as well। finally aap se bas yahi kahunga yaar, please keep supporting the channel। aapki support ki wajah se bahut motivation milti hai and ye videos banane ki mujhe ek wo milti hai, push milta hai ki yaar main niklun bed se aur ye kaam start karun। abhi subah ke 8 baj rahe hain aur main record kar raha hu। मैंने प्रॉब्ली आज ही 2-3 और वीडियोस पटका देनी है कि कोशिश है मेरी इस हफ्ते रेगुलरली 10 बजे सुबह कोई ना कोई वीडियो अपलोडेड हो ताकि आप लोग भी रेगुलरली कंटेंट एंजॉय कर सकें और मेरा चैनल भी जरा और मोमेंटम गेन करे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, कॉमेंट्स, लाइक्स बड़े आ रहे हैं, बहुत हैवी सीन चल रहा है एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड ऑन दैट। एंड इंशाल्लाह वेरी सून Nightmare Autos will be up there with all of your popular YouTubers and must mahal inshallah। मैंने कहा ये छोटी सी एक अपडेट वीडियो बना दी जाए कि चैनल के साथ क्या चल रहा है, गाड़ी का क्या सिस्टम है, आगे इवेंट्स क्या आ रहे हैं, सब कुछ मैंने पकड़ के एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। थोड़ा सा मैंने आपको चौक का सीन बता दिया, आई होप दैट वाज इन्फॉर्मेटिव। अगर आपकी गाड़ी का कोई इस तरह का इश्यू चल रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा चौक का क्या सीन है, कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, तो आस्क मी इन द कमेंट्स। बाकी वैसे भी मेरे से बातें किया करें यार, आई रियली लव इट व्हेन यू गाइस रीच आउट टू मी एंड टॉक टू मी। मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, मेरी कोशिश होती है सबको रिस्पॉन्ड करूँ, कमेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करूं। मेरा शायद कोई भी ऐसा कमेंट नहीं मेरे चैनल पे जिसको मैंने पर्सनली लाइक ना किया हो, और जिनका रिस्पॉन्ड करने वाला होता है उनको मैं रिस्पॉन्ड भी लाजमी करता हूं। तो कॉन्टेक्ट मी ताकि मैं आप लोगों के साथ भी गपशप लगा सकूं, मुझे बड़ा मजा आता है सबका। विद दैट सेड, देयर इज गोना बी सम अमेजिंग कंटेंट कमिंग फॉरवर्ड ऑन द चैनल। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू नाइटमेयर ऑटोज इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर थोड़ी सी मेरी गपशप का मजा आया हो, क्योंकि रैंडम गपशप थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।